गेंदबाजी जारी रखेंगे या फिर गेंदबाज जुनैद सामना करेंगे बल्लेबाज आसिफ मगल। आसिफ मगल ने इससे अच्छे मैचेस भी पास्ट में जिताए हैं। एक बार फिर नए ओवर के साथ इस गेंद पर पुल किया है बल्लेबाज ने, गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे खिलाड़ी लेकिन बेसुध साबित होता हुआ और गेंद चली गई है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर फिलहाल खान सुल्तान से यहां पर हमारे साथ जुड़ते हुए। आसिफ मगल हैज एबिलिटी टू डू इट, बिल्कुल 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 खान साहब हम कह सकते हैं यहां पर कि आसिफ मगल ही वो इंसान है जो इस मैच को जिता सकते हैं। रन 5 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए चाहिए 12। तेज होते हुए जुनैद अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे, ओ हो, वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्स की बात की जाए होल टूर्नामेंट की, काफी मैचेस हमने देखे हैं लेकिन यहां पर पास में मिड विकेट के एरिया में जो पार्क है वहां पर चिनार के ऊपर से निकालते हुए तकरीबन 110 मीटर्स का सबसे बड़ा छक्का इस टूर्नामेंट का, और जितने टूर्नामेंट हमने यहां पर बिजबिहारा में किए हैं उनमें से सबसे बड़ा और लंबा छक्का, बहुत बड़ा छक्का लगाने में कामयाब रहे हैं इस बार आसिफ मगल। 18 रन चाहिए जीतने के लिए, पहले 2 गेंदों पे 2 छक्के, इससे बढ़कर पावर हिटर नहीं हो सकता है। जिस तरीके से वो पावर जनरेट करते हैं वो लाजवाब, वो बहुत ही दर्शनीय। आसिफ मगल के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का इस ओवर में, 18 रन चाहिए जीतने के लिए, 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब फकत चाहिए 6 रन 4 गेंदों का खेल आने वाले इस 4 गेंदों पे। एक बार फिर गेंदबाजी जारी रखेंगे यहां पर, विकेट पे पहुंचे इस बार बैकअप द हैंड स्लो की बड़े स्ट्रोक के लिए हुए अंपायर शॉर्ट राइजिंग डिलीवरी पर एक बार फिर पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, चूके गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का यहां पर मौका नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर पहले 2 खाने के बाद गेंदबाज जुनैद करते हुए 2 डॉट करते हुए, अब 2 गेंदों में चाहिए 6 रन, क्या यहां पर एक और छक्का लगाने में कामयाब रहेंगे बल्लेबाज आसिफ मगल या नहीं, के बाद 2 डॉट खेल चुके हैं। एक बार फिर गेंदबाजी जारी रखेंगे, जुनैद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज आसिफ मगल, इस बार इस गेंद को खेलने में कामयाब रहे हैं। डीप स्केले की जानिब गेंद के गेंद को फील्ड किया जाता और पड़ेगा क्या कुछ होता है, और यहां पर जो की सूरत में कौन खिलाड़ी आउट हो जाए ये अंपायर का डिसीजन आना अभी बाकी है। और फिलहाल जो है मैच में गेंदबाजी के लिए तेज होते हुए जुनैद अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे, इस बार गेंद आउटर एज लेती हुई चली गई है थर्ड मैन की जानिब, वहां पर बहुत अच्छी कोशिश की गई थी रोकने की लेकिन गेंद चली गई है थर्ड मैन रीजन में चौके के लिए, और यहां पर जो है स्कोर बराबरी पे होता हुआ और सुपर ओवर में यहां पर जो है अब इस मैच का डिसीजन होना बाकी है। तो सुपर ओवर होता हुआ साथ